नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। आज पूरा देश दशहरा का त्योहार मना रहा है। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में ट्रैफिक रूल्स में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। अगर आज आप दशहरे के लिए बाहर निकलने वाले हैं, अगर आप रावण दहन देखने के लिए बाहर निकलने वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पटना की कई सड़कों के रूट जो हैं वो बदले गए हैं, साथ ही साथ कई सड़कों पर पाबंदी लगा दी गई। राजधानी पटना में आज की शाम गांधी मैदान में रावण वध होगा। इसको लेकर पटना जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। रावण दहन को लेकर ट्रैफिक रूट में भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। अगर आज आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप ये ज़रूर जान लें कि किन किन ट्रैफिक रूल्स में बदलाव किए गए हैं। भट्टाचार्य चौराहे से उत्तर गांधी मैदान की ओर कोई भी वाहन का परिचालन नहीं आज होगा। डाक बंगला चौराहे से जेपी गोलंबर तक गांधी मैदान तक मार्ग वाले जितने भी लोग आने जाने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए वो बेहद सुरक्षित रास्ता रहेगा। डाक बंगला चौराहे से सभी प्रकार के वाहनों को न्यू डाक बंगला भट्टाचार्य मोड़ से राजेंद्र पथ की ओर जाने दिया जाएगा। न्यू डाक बंगला से एसपी वर्मा रोड में वाहनों के प्रवेश जो है वो प्रतिबंध रहेंगे। जेपी गोलंबर से चिल्ड्रन पार्क के बीच का मार्ग सुरक्षित रहेगा। किसी को भी अगर आना जाना है तो इसके लिए वो तारा हॉस्पिटल से होकर निकलेंगे। वहीं जेपी गंगा पथ पर गोलंबर से गांधी मैदान की ओर वाहनों का परिचालन पूरे तरीके से बंद रहेगा। राम गुलाम चौक से जेपी गोलंबर की ओर वाहनों का परिचालन प्रतिबंध रहेगा। जेपी गोलंबर से डाक बंगला चौराहे तक और डाक बंगला चौराहे से पटना जंक्शन गोलंबर तक मार्ग में सड़क पर किसी भी प्रकार के वाहन, ठेला, खुमचा, सारी चीज़ों की पार्किंग आज बंद रहेगी। राम गुलाम चौक से पूरे एग्जीबिशन रोड में सड़क के जो वाहन में ठेला, खुमचा, ये सारी चीज़ों पर पार्किंग नहीं रहेगी। जिलाधिकारी आवास पुलिस लाइन तिराह तक के मार्ग में वाहन की पार्किंग नहीं रहेगी। गांधी मैदान के बाहर चारों तरफ से सड़क पर किसी प्रकार के ठेला वाहन को लगाना आज बंद है। वहीं गांधी मैदान के अंदर किसी भी प्रकार के वाहन ठेला जाने से वंचित रहेगा। वहीं बाकी किन किन रास्तों से आने जाने पर रोक लगाई गई है, किन किन रास्तों की पार्किंग जो है वो बंद कर दी गई है, कौन से रास्ते से आपको जाना है, ये सारा कुछ हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जहाँ एक तरफ आज दशहरे की धूम है तो वहीं दूसरी तरफ पटना के गांधी मैदान में रावण दहन होने जा रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से ये जानकारी दी गई है। जानकारी में बताई गई है कि किन किन रास्तों से लोगों को जाने के लिए मना किया गया है, साथ ही साथ किन रास्ते से वो जा सकते हैं और कहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। फिलहाल अपडेट में इतना है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।